गैस, आज मैं आपको जो मशीन बताने वाला हूँ, इस मशीन में आप एक ही मशीन से चार से पांच बिजनेस, अलग अलग बिजनेस कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, ये बिजनेस कोस्ट, ये मशीन कोस्ट में बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आप चाहें तो इस मशीन को एक सिंगल पीस लेके अपने घर के लिए यूज़ के लिए भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बिजनेस के लिए ले रहे हैं तो आप बिजनेस के लिए भी इस मशीन को बाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, ये मशीन एक लघु उद्योग के तहत ये बिजनेस आता है, जिसकी वजह से आपको कोई सरकारी सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग से डॉक्यूमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप इस मशीन को लेके और अपने घर पर ही अपने डोमेस्टिक लाइट से ये मशीन आपकी चल जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि आप अगर आपके पास छोटी सी भी जगह है तो भी इस मशीन को आप ऑपरेट करके बहुत आसानी से बिजनेस कर पाएंगे। इसमें जो भी अलग अलग टाइप का सारा माल बनता है, मैं पूरी डिटेल्स के साथ में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए ताकि आप सारी चीजें जान सकें, ताकि आप एक सिंगल यूजर भी अगर आप चाहें तो एक सिंगल पीस भी लेके इस बिजनेस को मतलब कर सकते हैं। अदरवाइज अगर घर के लिए भी यूज करने के लिए चाहें तो घर के लिए भी आराम से ये ले सकते हैं, आपके लिए दोनों तरीके से फायदा होने वाला है। दोस्तों, ये जो मशीन है ये है वैलिड मशीन। ये एक इस तरीके की मशीन बनाई गई है जो कि मल्टीपर्पज़ काम करती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये मशीन कुछ इस तरीके से काम करती है। जैसे कि मान लीजिए, अगर हम आस पास में देखते हैं, अपने गांव शहर हर जगह पे पशु बहुत ही ज़्यादा पाला जाता है। पशु पालने के लिए आजकल क्या होता है कि उनको खाने के लिए दिया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो पशु आहार, अलग अलग टाइप के बहुत सारे पशु आहार आते हैं जो कि उनको दिया जाता है खाने के लिए। अब यह बनता कैसे है? इसको बनने के लिए जो बहुत सारा वेस्टेज होता है, जैसे धान का जो राइस मील होती है, या फिर गेहूं के जो वेस्टेड टुकड़े होते हैं चने का, या फिर बाजरा, मक्का, या फिर खाने की हम बात करें जो खाना वेस्ट हो जाता है, उसको सुखा के भी आप आराम से इसे जो है बनाया जा सकता है। तो ऐसे ऐसे अलग तरीके से बहुत तरीके से इसे बना देते हैं। उसके बाद इसमें भूसे का भी इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे यहाँ पर लिखता पैरा, या फिर जो भी हमारी गाय खा सकें, या भैंसे जो भी खा सकें, जो पशु होते हैं वो खा सकें, तो उसके लिए ये सीड यानी कि ये बना दिया जाता है इनका खाने के लिए। तो ये बनता कैसे? इसके लिए जो मशीन बताने वाला हूँ, इस मशीन से भी आप इन चीज़ों को बना सकते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल अगर आप कहीं पे भी अगर चाहेंगे तो आपके आसपास में मिल जाता है। बस इस मशीन में डाल के आप बना के और आराम से मार्केट में 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो का पैकेट बना के अपने आसपास के आप एरिया में जो है, अपने जिले में या फिर सर्कल में ले जाके आराम से बेच सकते हैं। आराम से परचून की दुकान या फिर जो खाद की दुकान होती हैं वहाँ पे आराम से आप ले जाके दे सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारी लकड़ियाँ या फिर ऐसे रिक्वायरमेंट हर जगह होती रहती है, तो वो सारी चीज़ें भी इससे आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, जो बहुत सारी लकड़ियाँ वेस्ट हो जाती हैं, या फिर जैसे कि हम गोबर वगैरह की बात करते हैं, तो इन सब से अगर आप इसमें डालेंगे तो एक छोटे छोटे टुकड़ों में बना देता है, जो कि आप बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जहाँ पर कोयले का इस्तेमाल होता है वहाँ पर इन चीज़ों का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या फिर आप मार्केट में सेलिंग करके इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके लिए मैं बात करूं, आप इसमें फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं, यानी कि खाद के टुकड़े भी बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि गोबर एक ऐसा चीज़ है कि अगर आप खेत में डालते हैं तो ऑर्गेनिक खाद के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें जो मुर्गियाँ होती हैं या फिर जो चिड़िया होती हैं, उनके लिए भी आप उनके खाने का चीज़ बना सकते हैं, यानी कि उनकी सीड्स बना सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से। उसको बनाने के लिए जो भी इनका जो रॉ मटेरियल लगता है, जो वेस्टेज होता है, वो भी इसी सारी चीज़ें से बनता है। इस मशीन को ऑपरेट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिंपली आपको देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप ऑपरेट कर सकते हैं। ऑपरेट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, अपने घर के लाइट में इसको लगा देना है बहुत आसानी से। उसके बाद यहाँ पे ऊपर जो आपको होल सा दिख रहा है, इसमें आपको इसको रॉ मटेरियल को डालना है, पुट करना है। जैसे रॉ मटेरियल को डालेंगे, आपको बन के पूरा माल यहाँ से नीचे से रेडी होकर निकलता रहेगा। अब इसको क्या करना है, इसमें से जो भी आप माल बना सकते हैं, अगर आप सेल्फ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो घर के लिए यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो इसको आराम से आप छोटे छोटे थैले ले सकते हैं, जैसे 10 किलो का, 5 किलो का, 20 किलो का, 50 किलो का थैला ले सकते हैं। उसके अंदर आराम से पैकिंग करके मार्केट में अपने आसपास के सर्कल में जाके बहुत आसानी से बेच पाएंगे। एक छोटा लघु उद्योग के तहत अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो जल्दी आप इसकी 2-4-6 मशीनें लगा के अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस चालू कर पाएंगे। या सेल्फ के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आपके काफ़ी टाइम बचा देगा, या हर एक चीज़ के लिए टाइम बचा देगा, जिसकी आपकी एक एडवांस लेवल में आप काम करना चालू कर देंगे। तो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।